ताजगंज स्थित पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी में सखियों द्वारा डांडिया महोत्सव और गरबा डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोग डांडिया महोत्सव में बॉलीवुड गाने पर भी डांस करते हुए नजर आए। ताजगंज स्थित पार्श्वनाथ पंचवटी परिवार की ओर से कॉलोनी में डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में दुर्गा उत्सव की चमक चारों ओर बिखरी हुई नजर आई। सखियों द्वारा बड़े ही उमंग से डांडिया खेला गया और गरबा किया गया। जो डांडिया नहीं जानता उसके लिए डीजे की भी व्यवस्था की गई, जिस पर उत्सव में लोगों ने जमकर डांस किया। आज का कार्यक्रम डांडिया का प्रोग्राम है जो पंचवटी में हमेशा से होता आया है और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। जब से हमारे नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र भाई, तब से सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और शांति से हो रहे हैं, कोई विवाद नहीं, बढ़िया हमेशा प्रोग्राम अच्छे होते हैं और बड़ी खुशी मनाई जा रही है। सब आपस में डांडिया खेल रहे हैं, खाने पीने का प्रोग्राम है। आज हमारे यहाँ डांडिया का प्रोग्राम है, सब महिलाएं डांडिया कर रही हैं और बहुत धूमधाम से डांडिया का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और खाने पीने की व्यवस्था है। वैसे 9 दिन पूरे कीर्तन होते हैं, परसों दशहरे का प्रोग्राम है, स्टॉल लगेंगे और रावण दहन होगा। जैसा कि इस साल 3 दिवसीय दशहरे के मेले का आयोजन किया गया है, उसमें आज प्रथम दिन डांडिया का कार्यक्रम का उद्घाटन के साथ ये मेला शुरू हुआ है और परसों रावण दहन का कार्यक्रम है, रावण के पुतले का दहन किया जाएगा जिसमें अच्छाई के ऊपर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा। सभी लोग मेले में एंजॉय करेंगे। आज मेले के अंदर डांडिया का कार्यक्रम है, स्टॉल भी लगेंगे मेले पे और दुकानें भी लगेंगी, खाने पीने का इंतजाम भी रहेगा। पार्श्वनाथ पंचवटी परिवार के लोगों ने बताया कि नवरात्र के अवसर पर 10 अक्टूबर को डांडिया और गरबे महोत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद मंदिर में भव्य आरती की गई, जहां कॉलोनी की कन्याओं को पूजा गया। इसके बाद दशहरा पर कॉलोनी के वासी रावण को जलाकर बुराई पर अच्छाई का संदेश देंगे। आज से 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।